ब्रह्मास्त्र देखने के बाद फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने साधा कंगना रनौत पर निशाना, कहा मुझे नहीं बनानी चाहिए थी धाकड़। फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने निर्देशन अयान मुखर्जी के ब्रह्मास्त्र देखने के अनुभव का भरपूर आनंद लिया है। हालांकि अपने ट्वीट में की गई ब्रह्मास्त्र की तारीफ से उन्होंने कंगना रनौत के फैंस को जरा नाराज कर दिया, जो ब्रह्मास्त्र के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं और निर्माता करण जौहर पर नकली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स देने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल फिल्म मेकर हंसल मेहता ने ट्वीट किया कि कैसे ज्यादातर थिएटर हॉल बुक हो रहे हैं और उनके लिए ब्रह्मास्त्र का टिकट मिलना मुश्किल था। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने वास्तव में ब्रह्मास्त्र का आनंद लिया। पिछली रात के शो के लिए टिकट न मिलने के बाद मुझे और भी ज्यादा मजा आया। लगभग 60-70% फुल मॉर्निंग शो के लिए सिनेमा हॉल में जाना और बाद के शो के लिए एक ही मल्टीप्लेक्स में लंबी कतारें लगती हैं। दूसरा पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल हंसल मेहता ने साल 2017 की फिल्म सिमरन में कंगना का निर्देशन किया था। हालांकि फिल्म को दर्शकों का ज्यादा प्यार नहीं मिला था और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में जब हंसल मेहता ने अब ट्विटर पर ब्रह्मास्त्र की तारीफ की तो एक यूजर ने कमेंट किया, शर्म आनी चाहिए, आपने कंगना को फ्लॉप फिल्म दी। हंसल मेहता ने उस कमेंट को रीट्वीट किया और कंगना की नई रिलीज धाकड़ पर सीधा निशाना साधा, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। उन्होंने लिखा, हाँ मुझे धाकड़ नहीं बनानी चाहिए थी। दरअसल इस साल मई में रिलीज हुई धाकड़ को 85 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था। ये फिल्म जो एक जासूसी थ्रिलर थी, रजनीश खई द्वारा निर्देशित थी और कंगना के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी। अब हंसल मेहता के ट्वीट पर भी कई सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। हंसल मेहता के ट्वीट पर फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर जय मेहता ने हंसने वाली इमोजीज के साथ लिखा, हा हा हा। वहीं हंसल मेहता के ट्वीट पर स्क्रीन राइटर अंकुर पाठक ने भी हंसने वाली इमोजीज शेयर की हैं। तो वहीं एक यूजर ने हंसने वाली इमोजीज के साथ लिखा, सर आपको मणिकर्णिका भी नहीं बनानी चाहिए थी। इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये लिखने के लिए थैंक यू, खासकर उन लोगों के लिए जो बायकॉट करना चाहते हैं। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।